हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा जो सेशन है, ट्वेल्थ क्लास का मैथमेटिक्स पर आज हम पढ़ाई करेंगे और हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स ऑफ व्यू। मैट्रिक्स के आपने फोर पार्ट देख लिया। आज हम लास्ट टॉपिक में जो पढ़ाई किए थे उस पर क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, ट्रांसपोज परिवर्त और स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग ऑफ व्यू के छः प्रकार मैंने बताए थे, उस पर बेस्ड आज हमको क्वेश्चन करना है। तो वन बाई वन हम उस कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चन करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए थे उनमें कम से कम एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ और फिर आप उस बेस पर एक्सरसाइज करेंगे तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज ए इक्वल टू 1, 2, 3, ए इक्वल 1, 2, 3, ये एक रो मैट्रिक्स है और बी इक्वल टू भी है 1, 2, 3, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। ये पंक्ति अव्यूह है, ये स्तंभ अव्यूह है, ये अव्यूह के प्रकार में मैंने आपको बताया था। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रांसपोज की, परिवर्त का एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, ए इंटू बी होल नॉट इक्वल टू बी नॉट इंटू ए नॉट। इस बात को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। हमको प्रूफ करना है कि यदि ए इक्वल टू 1, 2, 3 रो में हो, बी इक्वल टू 1, 2, 3 कॉलम में हो, तो ये एक प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज का, ये हमको प्रूफ करना है। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमको पता है कि ए इंटू बी चाहिए, उसके बाद उसका ट्रांसपोज चाहिए, तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, ए इंटू बी इक्वल टू, तो ए है अपने पास 1, 2, 3 और बी का वैल्यू भी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जनरली मैं जितना क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो मेरी कोशिश है, क्योंकि मैं लिमिटेड क्वेश्चन आपको करा पाऊंगा क्लास में, इसलिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो और वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर हो, जो और बहुत से क्वेश्चन के लिए वो हेल्प करता हो। मतलब एक क्वेश्चन आप समझने के बाद उस तरह के बहुत क्वेश्चन आप कर सकें। जैसे इस कॉन्सेप्ट पर आपको दो मैट्रिक्स देगा तो इस प्रॉपर्टी को आपके लिए प्रूफ करने के लिए बोलेगा, तो हर क्वेश्चन को आपको इसी पैटर्न पर बनाना है। दैट इक्वल, देखो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो नेचुरली इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप तो खैर मल्टीप्लाई का आप अच्छा प्रैक्टिस कर चुके होंगे, फिर भी एक बार मैं समझाता हूँ आपको। इसमें रो कितना है, वन रो है और 3 कॉलम है, 1 रो है 3 कॉलम है, और इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये 3 ये 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आएगा वो 1x1 का आएगा। क्लियर, मतलब ये 1 रो 1 कॉलम होगा, मतलब सिंगल एलिमेंट होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं रो का कॉलम के साथ, 1 × 1 1 प्लस 2 × 2 4 प्लस 3 × 3 2 × 2 4 प्लस 3 × 3 9, ये हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो गया, 14, ये हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपका। तो a इंटू बी 14 हो गया। अब a इंटू बी का यदि हम ट्रांसपोज करें तो सिंगल एलिमेंट है, देयर फोर ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू भी क्या होगा, 14 होगा, क्योंकि सिंगल एलिमेंट का ट्रांसपोज तो वही होगा, रो कॉलम तो सिंगल एलिमेंट है वो। क्लियर, अब हमको राइट हैंड साइड को देखो, ये इसको हम दे देते हैं रिलेशन नंबर फर्स्ट। अब राइट हैंड साइड को देखो, बी डैश इंटू ए डैश, तो सबसे पहले हम दोनों का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं पहले बी डैश निकाल लेता हूँ, बी डैश, तो ये जो रो है वो क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। ट्रांसपोज ऐसा निकालते हैं परिवर्त, तो हो जाएगा 1, 2, 3, ये हो गया। और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ए डैश, तो ए डैश क्या हो जाएगा, रो है तो कॉलम बन जाएगा 1, 2, 3। देयरफॉर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बी डैश इंटू ए डैश तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, और ए डैश अपने पास हो गया 1, 2, 3। कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत से एग्जाम में आया हुआ है। दैट इक्वल, अब ये मल्टीप्लीकेशन तो सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये 1 + 4 + 9 दैट इक्वल 14, रिलेशन नंबर सेकेंड। अब आप रिलेशन फर्स्ट को देखो,
रिलेशन फर्स्ट में ए इंटू बी, ए इंटू बी का जो होल ट्रांसपोज है वो 14 है और यहाँ पर बी डैश इंटू ए डैश भी क्या है 14 है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रिलेशन को हम मिला दें तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये क्या होगा सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से आपको दो मैट्रिक्स दे दें, दो अव्यूह दे दें और इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने बोले तो आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है, इसको मैंने आपको उसकी प्रॉपर्टीज में समझाया था। ये हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा यदि वो मल्टीप्लाई हो सके, केवल इस क्वेश्चन की बात नहीं है, ये इस तरह के हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर? तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, उसके लिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू ये अपन चलते हैं। ए का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए 1 2 3, इफ ए इक्वल टू 1 2 3, 3x3 का मैट्रिक्स है, 2 -3 -4, 2 -3 and -4, एंड नेक्स्ट इज 4 0 0 4 0 0, ये ए है। और b इक्वल टू एक दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो है 1 0 -1 1 0 -1 एंड 2 1 3 2 1 3, एंड नेक्स्ट इज 0 2 -1 0 2 -1। ये a और b अपने को गिवन है और हमको प्रूफ करना है a प्लस बी का होल नॉट इक्वल ए नॉट प्लस बी नॉट, ये हमको प्रूफ करना है। ए प्लस बी का होल नॉट इक्वल टू, ये प्रूफ करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए यहाँ पर देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये प्लस की प्रॉपर्टी पर है। हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में पहले पढ़ा है कि दो मैट्रिक्स का होल नॉट यदि हो तो उसको इंडिपेंडेंट ए नॉट प्लस बी नॉट लिखा है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसको आप आराम से बना सकते हैं। बस मैं एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं, यही निकाल लें ए प्लस बी। तो ए प्लस बी निकालेंगे तो दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, अपन ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर दोनों को मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी यहाँ पर मेरे पास है तो दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो 1 + 1 पहले रो को ऐड कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 + 1 2, इतना तो आप लिख लेंगे। 2 + 0 ये 2 हो जाएगा और 3 - 1 ये भी हो गया 2। सेकंड में चले जाइए, 2 + 2 ये 4 हो गया, -3 + 1 -2 हो गया -4, और 3 ये हो गया -1। 4 का 0 के साथ ऐड होगा, ये 4 हो गया, 0 + 2 ये 2 हो गया, और 0 + -1 ये हो गया -1। क्लियर? तो हमने a प्लस बी को दोनों को ऐड कर दिया। देयरफॉर अब इसका ट्रांसपोज करेंगे a प्लस बी डैश, मतलब इसको परिवर्त करेंगे। तो यहाँ पर भी हम ऐसे लिखेंगे इसको 2 2 2 4 -2 -1 4 2 -1 इसका ट्रांसपोज। और जब इसका ट्रांसपोज होगा तो ये पूरे रो क्या बन जाएंगे, कॉलम बन जाएंगे। तो 2 2 2 ये हो जाएगा 2 2 2, 4 - 2 - 1 4 - 2 - 1 और ये 4 2 - 1 तो ये हो गया। अब हमने निकाल लिया ये रिलेशन नंबर फर्स्ट, ये हमने निकाल लिया a प्लस बी का ट्रांसपोज, a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लिया, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकाल लिया। अब a डैश प्लस बी डैश निकालेंगे तो अगेन a ट्रांसपोज इक्वल टू, तो a तो अपने पास है, इसको मैं एक बार यहाँ पर कॉपी कर दूँ, ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, 2 - 3 - 4 4 0 0 इसका ट्रांसपोज। ये जो a मैट्रिक्स है दोनों साइड का हमने ट्रांसपोज कर दिया। अब जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका परिवर्त निकालेंगे,
तो हम इस रो को क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। तो 1 2 3 ये हो जाएगा 2 - 3 - 4, ये 4 0 0, ये ए ट्रांसपोज निकल गया। इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे, बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, क्लियर। तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू, ये सब आसान क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है क्वेश्चन के हेल्प से। तो बी अपने पास ये है 1 0 - 1 1 0 - 1 2 1 3 0 2 - 1, इसका ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 1 0 - 1 2 1 3 0 2 - 1, ये हो गया। अब क्या करना है हमको, इन दोनों को ऐड करना है, दोनों को जोड़ना है। तो ये हो जाएगा देयरफॉर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल। अब दोनों ऐड होंगे, क्या होंगे, देखिए ये ए ट्रांसपोज है ये, और वो बी ट्रांसपोज है। दोनों को मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, देखिए अब ध्यान से करेंगे ना, 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 + 2 ये हो गया 4, इसके बाद 4 + 0 4 हो गया, 2 + 0 2 - 3 + 1 - 2 0 + 2 2 हो गया, इसके बाद 3 + - 1 ये हो गया 2 - 4 - 1 हो गया, और 0 ये हो गया -1। दिस इज रिलेशन नंबर सेकेंड। अब रिलेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए, रिलेशन फर्स्ट अपने पास ये, तो इसका देखिए 2 4 4 2 4 4 2 - 2 2 2 - 2 2 - 1 - 1 2 - 1 - 1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, दैट मीन्स ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। ये परिवर्त ए प्लस बी का होल जो परिवर्त है, ये परिवर्त लिख, तो ये थ्योरम है, ये प्रॉपर्टीज है जो हमने पहले पढ़ा था, उसको क्वेश्चन के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ करते जा रहे हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर, मैंने जो लास्ट वीडियो में जो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, उस पर क्वेश्चन है कि हमने जो जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो कैसे सेटिस्फाई होता है। ऐसे ही आगे हम उसके जो स्क्वायर मैट्रिक्स के जो टाइप्स पढ़े थे उनको भी इसी तरह से प्रूफ करना है। तो आसान है, ये बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नए कॉन्सेप्ट पर, एक एक कॉन्सेप्ट पर मैं एक एक क्वेश्चन आपको बताते जा रहा हूँ। वैसे यह एक्सरसाइज आसान है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी को एक बार सेटिस्फाई कराना है, ओनली आप केवल उसके प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे तो फिर वो प्रैक्टिस नहीं हो पाती ना। क्वेश्चन नंबर 3, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम एक नए प्रॉपर्टी पर लेते हैं, देखिए यहां पर हम प्रूफ करते हैं। अभी मैंने देखिए, मैं 1 by 1 एकदम सिस्टमेटिक, पहले मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी को बताया, फिर उसके एडिशन सम करने वाली प्रॉपर्टी को बताया। अब मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के जो टाइप्स पढ़े थे उस पर क्वेश्चन लेता हूँ कि सपोज अपने पास एक मैट्रिक्स है a = cos theta sin theta एंड सेकंड इज -sin theta cos theta। ये a इक्वल टू एक मैट्रिक्स है और हमको यहाँ पर बताना है कि ये क्या है, ऑर्थोगोनल है, लाम्बिक है। प्रूफ करना है कि यह ऑर्थोगोनल, दैट मीन्स लाम्बिक। सिद्ध करना है, सिद्ध करो, प्रूफ दैट दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जिसको हम लाम्बिक कहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि a बराबर ये दिया हो तो इसको हमको लाम्बिक का भी प्रूफ करना है। अब मैंने जो लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी कि जो चार्ट बनाने की आपको बात किया था कि सपोज़, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कि सपोज़ किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि ऑर्थोगोनल या लाम्बिक का व्यू क्या होता है, कैसे बनाएगा क्वेश्चन,
बिल्कुल नहीं बना सकता। इसलिए आपको वो 6 प्रॉपर्टी जो अलग अलग मैंने टाइप्स बताया था, सबसे पहले वो आपको प्रिपेयर करना है, अदरवाइज आप इजी क्वेश्चन में नहीं बना पाएंगे। तो लांबी काव्यू का प्रॉपर्टी क्या होता है, ए एंड एस इक्वल ए, ए डैश इक्वल टू ए डैश ए इक्वल टू आई, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रहना चाहिए। मतलब यदि किसी भी मैट्रिक्स को यदि आपको ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है या उसको लांबी प्रूफ करना है तो ये प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी हो सकेगा। तो देखिए हम अब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराते हैं। तो ए अपने पास गिवन है, हमको क्या चाहिए ए डैश, तो ए गिवन है तो सीधा हम निकालेंगे ए डैश, ये इसका सॉल्यूशन या प्रूफ। तो ए डैश मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये रो कॉलम बन जाएगा, तो कॉस थीटा और साइन थीटा ये हो गया, और ये माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो इस तरह के क्वेश्चन से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं उस दिन अपने क्लास में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर किया, वैसे आप मेरा मैथ्स का क्लास देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले वीडियो में मैं पूरे उसके कॉन्सेप्ट फार्मूले सब बताता हूँ ताकि स्टूडेंट पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, और उसके बाद वाले वीडियो में मैं इमीडिएट फिर उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन करता हूँ, तब आपको थोड़ा टाइम भी मिल जाता है प्रिपरेशन का कि आप पहले उसको तैयार कर लेते हैं फिर आपसे क्वेश्चन आसानी से। यही तरीका है पढ़ने का। कुछ स्टूडेंट्स हड़बड़ी करते हैं कि मैं साथ में बताते हैं, जब ऐसा ठीक नहीं है, वो मेरा अपना टेक्निक है, मेरा बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस है। पहले किसी भी स्टूडेंट को अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए, आफ्टर दैट एक्सरसाइज मैथ्स में भी और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में भी यही करना चाहिए। यदि हम तुरंत एक फार्मूला पढ़े, तुरंत एक क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अच्छा नहीं है, पहले आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो जैसे आपको पता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी होता है, आप कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो ये पता है ए डैश निकाल लिया, अब हमको क्या चाहिए ए इंटू ए डैश चाहिए, ए इंटू ए डैश दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए का वैल्यू ये है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और ए डैश का वैल्यू ये होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यदि दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो दैट इक्वल, अब मल्टीप्लाई थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ध्यान देना ना, ये वाले रो का इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन कॉस स्क्वायर थीटा, इसका इसके साथ में हो जाएगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब हम इसमें चले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, और प्लस इसके साथ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसका मल्टीप्लीकेशन हम इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सेकंड का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन कॉस। देखो मैं एक बात आपको जब मैट्रिक्स पढ़ाने स्टार्ट किया तो बोला था कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन यदि आपको अच्छे से करना आता है तो समझ लीजिए आधा मैट्रिक्स आपका, आधा अव्यूह आपका तैयार है। ये जो मैं मल्टीप्लीकेशन किया, यहाँ पर यदि किसी को दिक्कत हो रहा होगा तो पहले आप पीछे के वीडियो को देखिए और बहुत अच्छे से उसमें प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज आगे का क्वेश्चन अभी तो कई पार्ट बनेंगे मैट्रिक्स के, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स, फिर डिटर्मिनेंट्स के साथ में और मैट्रिक्स कंबाइन पढ़ना है। तो ये हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखो दैट इक्वल, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, बहुत छोटा पार्ट बन जाएगा दैट इक्वल, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो गया, और ये दोनों कैंसल आउट हो गया, देखो ये हो गया जीरो, ये भी कैंसल आउट होकर जीरो हो गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो गया। दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट, ये हमने निकाल लिया ए इंटू ए ट्रांसपोज, क्लियर, इस तरीके से ये निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं अगेन, निकालते हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए दैट इक्वल, तो ए ट्रांसपोज अपने पास क्या है, ये कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, ये है साइन थीटा और कॉस थीटा, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसका ए का, ए अपने पास ये है, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा
और इसका इसके साथ में प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अगेन इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा कॉस थीटा, इसका इसके साथ में माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये होगा। और यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इक्वल, ये देखिए ये वन हो गया, ये दोनों कैंसिल होके जीरो, ये जीरो, ये वन, दिस इज रिलेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये ए इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू है और ये इसका है, तो हम दोनों के लिए कंबाइन कर दें तो देयर फोर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, और इक्वल टू दोनों किसके इक्वल आए हैं, वन जीरो जीरो वन के आए हैं। और आपको पता है ये क्या है, टू क्रॉस टू का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक आव्यूह है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए इंटू ए नॉट इक्वल टू ए नॉट इंटू ए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं आई, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, क्योंकि हमने ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया, ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी होती है ये, तो हमने इस क्वेश्चन को लेके ये प्रूफ कर दिया। तो प्रूफ हो गया कि जो दिया गया आव्यूह है, जो गिवन मैट्रिक्स है, दैट इज ऑर्थोगोनल, वह एक लाम्बिक आव्यूह है, क्लियर। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा और उसको आपको लाम्बिक पूछने प्रूफ करने के लिए बोले, शून्य सम बोले, सम सम बोले, नील पोटेंट, आइडेंट पोटेंट, जो भी प्रूफ करने के लिए बोले, मतलब यहाँ तो मैं एक एक क्वेश्चन का आपको डेमो बता रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिए कि कोई भी क्वेश्चन, भाई आपको पता है कि किसी मैट्रिक्स को लाम्बिक प्रूफ करने के लिए प्रॉपर्टी तो कर, आपको मल्टीप्लीकेशन आता है, ट्रांसपोज निकालना आता है, तो बहुत आसान काम है। इस तरह से एक एक क्वेश्चन से ही आप पर्याप्त प्रैक्टिस कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको ये प्रॉपर्टीज रटे हुए पता होना चाहिए, क्लियर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, हर क्वेश्चन पर मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये दोनों वीडियो को देखने के बाद ये वाला पोर्शन आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक प्रॉपर्टी को लेते हैं जहां पर प्रतिकेंद्रज इनवॉल्यूटरी अपन मैट्रिक्स प्रूफ करते हैं। तो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है ए इक्वल, मैं एक एक प्रॉपर्टी को लेके क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत आसान है, बस प्रॉपर्टी आपको याद रहे, बाकी कुछ स्पेशल बात नहीं। फोर माइनस वन माइनस फोर, बस आपको मल्टीप्लीकेशन वगैरह ढंग से आना चाहिए। नेक्स्ट थ्री जीरो माइनस फोर, थ्री जीरो माइनस फोर, थ्री माइनस वन माइनस थ्री, थ्री माइनस वन माइनस थ्री, ये। और इसको प्रूफ करना है अपने को इनवॉल्यूटरी, इन्वॉल्यूटरी हिंदी में बोलते हैं प्रतिकेंद्रज, प्रतिकेंद्रज, ये मैं आपको सब समझा चुका हूँ, ये अपने को प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स ए है, देखिए इसे पहले वाले में हम ऑर्थोगोनल प्रूफ किए, वैसे यहाँ पर इन्वॉल्यूटरी अपने को प्रूफ करना है, ये हमको गिवन है और ये हमको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ होगा भाई, आपको ये पता, आपको यही पता नहीं है बाय द वे कि प्रतिकेंद्रज क्या होता है, तो आप उसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, मतलब जो मैट्रिक्स दिया है यदि हम उसका स्क्वायर फाइंड करें और यदि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, मतलब तत्समक आव्यूह मिल जाए उसी ऑर्डर का, तो प्रूफ हो जाता है कि क्या है, वो प्रतिकेंद्रज है। तो सिर्फ प्रॉपर्टी आपको याद हो, बाकी कुछ भी नहीं करना है। आप समझ रहे होंगे मैं बार बार एक बात याद दिला रहा हूँ कि हमारा प्रीवियस वीडियो आपको तैयार है, तो सब चीज़ आपको फटाफट समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम है। तो ए स्क्वायर फाइंड करो, तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए इंटू ए से निकलेगा, ए का वैल्यू अपने पास ये है क्या, फोर माइनस वन माइनस फोर, थ्री जीरो माइनस फोर, थ्री माइनस वन
माइनस थ्री, और पुनः ए को लिखेंगे अपन क्योंकि एक ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, फोर माइनस वन माइनस फोर, थ्री जीरो माइनस फोर, थ्री माइनस वन और माइनस थ्री, ऐसा होगा दैट इक्वल। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, देखिए अब ध्यान से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपको पता है कि इसके रो का इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसकी प्रैक्टिस आप मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस आप खूब करिए, वही सब कुछ है। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर कर लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 16 माइनस 3 और माइनस 12। अब हम नीचे चले जाएंगे तो हो जाएगा 12 प्लस 0 माइनस 12, यहाँ चले आइए तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3 माइनस 9, क्लियर। अब यहाँ हम कॉलम चेंज कर देंगे, इसके बजाय हम इस कॉलम में चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 4 प्लस 0 और प्लस 4, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3 प्लस 0 और ये प्लस 4, क्लियर। अब यहाँ चले आएंगे तो हो जाएगा माइनस 3 इसके साथ प्लस 0 इसके साथ में प्लस 3। अब हम नेक्स्ट कॉलम चेंज कर देंगे, ऐसा आप निशान नहीं लगाना, मैं समझाने के लिए आपको हाईलाइट करने के लिए बता देता हूँ। इसके साथ तो 4 ये हो जाएगा माइनस 16, ये प्लस 4 और ये प्लस 12, क्लियर। यहाँ करेंगे तो हो जाएगा माइनस 12 प्लस 0 और प्लस 12, यहाँ करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 12, ये हो गया प्लस 4 हो जाएगा प्लस 9, ये है मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों का, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं ए स्क्वायर को, तो हमको क्या मिलेगा देखिए, यहाँ पर ये 16 माइनस 15 क्या मिलेगा, 1, ठीक है, तो ये 1 मिल गया। नेक्स्ट आप देखिए दोनों कैंसिल आउट हो गए तो 0 हो गया, यहाँ पर भी ये 16 माइनस 16 ये भी 0 हो गया। अब यहाँ पर चले जाइए, दोनों दोनों कैंसिल आउट हो गए, प्लस 12 माइनस 12 ये 0 हो गया, यहाँ पर 4 में 1 माइनस होगा तो ये 1 हो गया, यहाँ दोनों कैंसिल आउट हो गए तो ये भी 0 हो गया। यहाँ पर देखिए ये माइनस 12 माइनस 12 हो जाएगा, ये 0 हो गया, यहाँ पर भी दोनों कैंसिल हो गए, ये 0 यहाँ 1 हो जाएगा, नेचुरली ये क्या है, आई है। अब हमने प्रूफ कर दिया ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो दस द गिवन मैट्रिक्स इज इनवॉलेटरी, अतः दिया गया आव्यूह क्या है, प्रतिकेंद्रज है। तो आप इतने में समझ गए होंगे कि कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है यदि आप प्रॉपर वे में कॉन्सेप्ट वाइज चल रहे हैं। देखिए जो दो चीज़ आपको पता हो, मैं स्टार्टिंग में बोल दिया था, आपको मल्टीप्लीकेशन पता हो, जिसको मल्टीप्लीकेशन गुणा करना आता है इसको फटाफट सही सही करेगा, और जिसको ये पता है कि किसी भी आव्यूह को प्रतिकेंद्रज प्रूफ करने के लिए ये प्रूफ करना होता है, एक मिनट का काम है। लेकिन सपोज किसी को मल्टीप्लीकेशन ढंग से नहीं आता, मिस्टेक कर लेता है, ये प्रॉपर्टी नहीं पता है, तो नहीं बनेगा। तो एक्चुअल में कोई मैथमेटिक्स ऐसा डिफिकल्ट नहीं होता, मैथमेटिक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस आप प्रॉपर वे में उसको समझिए। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उससे रिलेटेड फार्मूले आप तैयार कर लीजिए, और थोड़ा प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस करने से बस आपके मिस्टेक कम होंगे। आपकी प्रैक्टिस करने से, जैसे आप एक क्वेश्चन को बस मल्टीप्लाई आपने किया तो दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो आप उतना तेज़ी से नहीं कर पाएंगे, इसलिए अगेन एंड अगेन आप बहुत से क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके देखिए, क्लियर। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने प्रतिकेंद्रज प्रूफ किया। ऐसे ही आपको कुछ भी प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो आप उसकी प्रॉपर्टी बस को याद रखना और उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा देना। तो केवल इसी की बात नहीं है, आप किसी को भी प्रूफ कर लोगे, मतलब आपको क्वेश्चन का बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 ना, क्वेश्चन नंबर 5 में मैं एक अच्छा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, रहने के लिए छोटा सा है लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा है। ये है ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा
ए इक्वल टू माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये है एक क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमको गिवन है इसके साथ में एंड ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई एंड इसके साथ में दिया है ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, ये भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा का मान हमको ज्ञात करना है, मतलब ए इतना है, ए प्लस ए डैश आई है, तो अल्फा ज्ञात करो। तो आसान क्वेश्चन है ये, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस आपको क्या करना है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। देयरफॉर ये निकालो, सबसे पहले आप क्या निकालो, ए डैश, तो इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, तो इस रो को कॉलम बना देंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इस रो को भी कॉलम बना देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या है अपने पास, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसके साथ इसके ट्रांसपोज को ऐड कर देंगे, तो ये हम निकाल के रखे हैं क्या, कॉस अल्फा साइन अल्फा और ये माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ये अब दोनों को यदि हम ऐड कर दें, ऐड करने से क्या आएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा टू कॉस अल्फा आएगा, ये दोनों कैंस माइनस माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट जीरो लिख दे, एक बार लिख देता हूँ मैं, ये माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा इसके साथ भी साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा ऐड होके टू कॉस अल्फा, ये हो जाएगा। आगे इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज ये हो गया टू कॉस अल्फा, ये जीरो हो गया और यहाँ पर ये भी जीरो हो गया, ये भी हो गया टू कॉस अल्फा, ये निकल गया किसका वैल्यू, ए प्लस ए डैश का वैल्यू। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, ये हमको क्वेश्चन में दिया है, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, इसको आई के इक्वल लिख सकते हैं, मतलब टू कॉस अल्फा जीरो जीरो टू कॉस अल्फा इक्वल टू आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पर टू क्रॉस टू का, तत्समक आव्यूह है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, वन जीरो जीरो वन, ये लिख सकते हैं। देयरफॉर अब दोनों साइड के एलिमेंट्स का हम कंपेयर करें, तो देखो यहाँ पर टू कॉस अल्फा है और ये वन है, बाकी तो भी वैसे ही हैं, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर टू कॉस अल्फा इक्वल टू वन, दैट इम्प्लाइज कॉस अल्फा इक्वल टू वन अपॉन टू, और कॉस अल्फा का वैल्यू वन अपॉन टू हो तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 वन अपॉन टू होता है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में पूछा था कि अल्फा का वैल्यू फाइंड करो, तो अल्फा कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, पहला ये कि आपको ट्रांसपोज निकालना आता है कि नहीं, फिर उसको ऐड करना, फिर ऐड करने के बाद आप आइडेंटिटी, फिर उसके बाद उसको इसकी होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करना कि इसका जो संगत जो अवयव होता है वो आपस में बराबर होता है, ये हो जाता है। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको करा है जो हम ट्रांसपोज मतलब परिवर्त पढ़े थे, और परिवर्त के साथ में हम वर्ग अव्यूह जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के जो टाइप्स पढ़े थे उनको कैसे प्रूफ करना है, तो बहुत आसान एक्सरसाइज है ये, आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद का जो मेरा मैट्रिक्स का टॉपिक आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम इन्वर्स निकालना सीखेंगे, इन्वर्स मतलब प्रतिलोम निकालना सीखेंगे, वो भी उसको एक्सपांड करते एक नया चीज़ सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 100% वो एग्जाम में आता है और वो डिफ़िकल्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम उस टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।